मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल कई बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और ये सब हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नेताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के लिए ये चुनावी साल है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और हर वर्ग को साधने की कोशिश में भी जुटी हैं। लेकिन इन सब के साथ प्रदेश में सभी पार्टियों के नेताओं का दल बदल करने का दौर भी चल रहा है। अब सांची जनपद अध्यक्ष अर्चना पोर्ते के साथ 6 जनपद सदस्य और अन्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए। अर्चना पोर्ते के अलावा जनपद सदस्यों में हरनाम सिंह जाट, जनपद सदस्य विनोद कुमार, जनपद सदस्य हरिनारायण लोधी, गजराज सिंह, जनपद सदस्य फिरोज खान ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है। इन लोगों को पार्टी की सदस्यता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिलाई है। आपको बताएं तो कुछ दिन पहले ही दामोह और बड़वानी जिले से भी सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि विधानसभा चुनाव में उसे जनता का समर्थन मिलना तय है। आपको बता दें कि साल के अंत में नवंबर दिसंबर के महीनों के बीच मध्य प्रदेश में नई सरकार बन जाएगी। एक तरफ शिवराज ये दावा कर रहे हैं कि वो फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावे कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में वो सरकार बनाएगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।